हेलो दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। भारत और नेपाल की सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं भारत और नेपाल के मध्य कितने किलोमीटर सीमा बनती है और कौन कौन से राज्य इनके साथ में सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे ये अभी करंट के मुद्दे यहाँ से चर्चा में क्यों है और इनकी सीमा में क्या क्या विवाद है, इसको लेके अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भारत और नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर लगती है भारत के साथ में। तो वो लगती है 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर भारत के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। तो अब देखते हैं भारत, नेपाल और भारत की कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। राज्य देखते हैं, तो राज्य कौन कौन से, मैप से देखते हैं कौन से राज्य आते हैं पहले। ये भारत का मैप है, ये इस प्रकार से इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे नेपाल आता है, ये नेपाल पूरा 17 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेपाल है। तो नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे पहले बनाता है यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद में बनाता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बनाता है बिहार के साथ में। यहाँ पे ये बिहार, बिहार के बाद में बनाता है वेस्ट बंगाल, बंगाल के साथ में पश्चिम बंगाल के बाद में बनाता है सिक्किम। यहाँ पे ये सिक्किम है पूरा, सिक्किम यानी नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 5 राज्य कौन कौन से। तो सबसे पहला है उत्तराखंड, उसके बाद लग सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में लिख सकते हैं अपन बिहार, बिहार के बाद में लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम, यानी नेपाल कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। और इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं भारत और नेपाल की सीमा चर्चा में क्यों है। नेपाल और भारत की सीमा चर्चा में क्यों है? तो इसका आगे देखते हैं सबसे बड़ी चर्चा में क्यों है, हटा के देखते हैं अपन। चर्चा में इसलिए कि नेपाल ने अपना अभी नया मैप जारी किया जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र काला पानी है, लिपु लेक है और लिंबू दर्रा है, इसको अपने मैप में दर्शाया है। इन कौन कौन से, काला पानी, लिपु लेक और लिंपिया दुरा, तीन है अभी मुद्दे जिसको नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया है, नया मैप जारी किया है अभी। और उसमें भारत के विदेश मंत्री की ओर से आया है कि ये मैप हम इंडिया के लोगों को स्वीकार नहीं है, कि नेपाल ने जो ये तीन जगह डिनोट की है वो गलत की है, जबकि ये नेपाल अपना मानते हैं और इंडिया अपने मानता है। काला पानी को भारत भी अपना अभिन्न मानता है और नेपाल भी मानता है। अब ये चर्चा में क्यों है, विवादित क्यों है, इसकी वजह क्या है, विवाद की विवाद सबसे पहला काला पानी। काला पानी कहाँ पे है? तो सबसे पहले देखते हैं मैप में काला पानी कहाँ पे है।
इस प्रकार काला पानी ये यहाँ पर है एंड ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य। ये काला पानी कहाँ है तो उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है तो पिथौरा जिले में, पिथौरागढ़ जिले में काला पानी स्थित है। और पिथौरागढ़ जिले का अभिन्न अंग मानते काला पानी को इंडिया वाले, जबकि नेपाल वाले इस काला पानी को धारचूला जिले का हिस्सा मानते हैं। पास है नेपाल, और नेपाल में धारचूला कहाँ पे तो ये यहाँ पर है, धारचूला जिला। और इंडिया का यहाँ पर कौन सा है ये पे तो पिथौरागढ़ जिला का हिस्सा मानते हैं, जबकि नेपाल अपने धारचूला जिले के हिस्सा मानते हैं। तो अब देखते हैं ये विवाद में क्यों है, ये विवाद में कब से है तो जब भारत ने जब अपना दो नई यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को दो यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाए थे, उस समय नवंबर के अंदर अपना नया आधिकारिक मैप जारी किया, उसमें काला पानी और लिपु लेक और लिम्बिया दूरा को अपने मैप में दर्शाया। इसकी वजह से भारत और चीन नेपाल की सीमा पर तनाव बढ़ा है। तो काला पानी विवाद मुख्य कारण ये भी है कि नेपाल एक काली नदी है, नेपाल काली नदी का उद्गम, भारत वाला काली नदी का उद्गम काला पानी स्थान से मानते हैं, जबकि नेपाल वाले लोग काली नदी का उद्गम लिम्पियो धुरा से मानते इसीलिए लिम्पियो धुरा को भी अपने मैप के अंदर जो न्यू मैप नेपाल अपना नया मैप नया मानचित्र बनाया उसमें 338 किलोमीटर भारत के हिस्सों को अपने मैप में दर्शाया गया। और ये विवाद कब से, जब अब देखते हैं इस विवाद का कारण क्या था, ये विवाद कब से है? जब से है, जब भारत इंडिया पर ब्रिटिश राज का शासन था उस टाइम से ये विवाद है। तो देखते ब्रिटिश राज से ये सांतोली संधि हुई थी, यानी सागोली संधि क्या थी उस समय, जब आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के मध्य, ये युद्ध हुआ उस समय सांगोली संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई थी। तो सांगोली संधि कब हुई थी इसका आधार 1816 के अंदर, ठीक है, ये संधि हुई। इसकी शर्त क्या थी कि काला पानी लिपु लेक और लिम्पिया धुरा ये तीनों ये नेपाल के अंडर आते थे उस टाइम ये संधि हुई थी। उसकी संधि के आर्टिकल 5 में इनका वर्णन है तीनों का, ठीक है। उसके बाद में नेपाल का नरेश इन स्थानों को छोड़ दिया गया था और ये ना इंडिया के अंडर में आ गए थे। उस समय ये जो नेपाल ने अभी आधिकारिक मैप वापस बनाया 2020 के अंदर,
उसके उसने ये बोला, ये बोल के इसने मैप बनाया कि अपन संधि 1816 वाले के अनुसार हमने मैप ड्रॉप किया, और भारत वाले इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसके समय 1816 के अंदर नेपाल के नरेश नरेश ने ये स्थान भारत को दे दी थी। थे अब देखते हैं और कौन कौन से विवाद है। तो जब ये आधार मैप जारी किया उसमें एक और यूपी एंड उत्तर प्रदेश और बिहार के चंपारण जिला, चंपानेर जिला जिला का सुस्ता क्षेत्र को भी अपने मैप में दर्शाया गया। इसकी वजह यह भी विवाद का, यह बहुत पुराने टाइम का विवाद है, इसको इंडिया अपने हिस्से में मानता है जबकि नेपाल अपने हिस्से में मानता है, यह भी विवाद का कारण है। इसके बाद अन्य तथ्य, तथ्यों की बात की जाए तो भारत और नेपाल का रिलेशन बहुत पुराने टाइम से है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर नेपाल के अंदर हुआ था जबकि महात्मा बुद्ध की देहांत इंडिया के अंदर हुई थी, और भगवान राम का भी विशेष रिलेशन था नेपाल के साथ में, राम का ससुराल नेपाल में था। इसके लिए बहुत पुरानी सदियों से नेपाल और भारत की सभ्यता और संस्कृति समान है, ये भी है। और दूसरी बात है कि नेपाल के लोग इंडिया में प्रवेश के लिए उनको कोई वीजे की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना वीजे के इंडिया के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और नेपाल के लोगों को इंडिया में आर्मी भर्ती भी करते हैं जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में उनको तैनात किया जाता है। और अब देखते हैं ये नेपाल का सिस्टम पूरा, इसके बाद में देखते भारत और भूटान के मध्य सीमा, भारत और भूटान मध्य सीमा, भूटान के साथ में इंडिया की कितने सीमा साझा होती है, तो होती है 6699 किलोमीटर। अब देखते हैं भूटान साल में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये यहाँ पर है भूटान, तो कितना राज्य सीमा साझा करता हूँ मैं यहाँ से, सबसे पहले सिक्किम, सिक्किम में बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में ये यहाँ पर असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश यानी चार राज्यों के साथ में सीमा साझा, कौन कौन से राज्यों के साथ मनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बना था असम, असम के बाद बना था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी चार राज्यों के साथ में सीमा बना था, नेपाल में भूटान इंडिया के, वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बना, कितनी सीमा बनाता है, वो बनाता है 699 किलोमीटर। इनको भी इंडिया के अंदर एंट्री करने के लिए कोई वीजे की आवश्यकता नहीं होती, और इंडिया के साथ में इसके अच्छे संबंध